नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस लिंक पर क्लिक कर पाएं केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त रिचार्ज योजना। तो आइए जानते हैं इस वायरल दावे का सच। इन दिनों डिजिटल बैंकिंग का चलन काफी बढ़ता जा रहा है। गांव हो या शहर, हर जगह के लोग डिजिटल बैंकिंग को अपना रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग के हम इतने आदि हो चुके हैं कि कई बार हमारा काम भी इसके बिना संभव नहीं हो पाता है। भला हो भी क्यों ना, आखिरकार पहले से हमारे अधिकतर काम डिजिटल बैंकिंग की मदद से यूं चुटकियों में ही हो जाते हैं, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग अब हमारे मोबाइल में आ चुका है। लेकिन यह हमारे लिए जितना ही फायदेमंद है और सुविधाजनक है, उतना ही खतरनाक भी। आपकी एक लापरवाही से आपका बैंक अकाउंट चुटकियों में खाली हो सकता है। आए दिन हमें साइबर फ्रॉड और स्कैमर्स की खबर मिलते रहते हैं। कभी किसी बैंक एजेंट के नाम पर कॉल आता है, कभी किसी बैंक एजेंट के नाम पर कॉल आता है और हमसे हमारे निजी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ली जाती है, तो कभी कोई फ्रॉड कॉल करके हमसे ओटीपी की मांग करता है। इन स्कैमर्स द्वारा फ्रॉड करने के हजार पैंतरे अपनाए जाते हैं। हमें से हर किसी को पता होता है कि हमें किसी भी अपने निजी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी साझा नहीं करनी है। वह हमें अपने मोबाइल के ओटीपी को भी किसी को नहीं बताना है, ना ही बेवजह किसी असुरक्षित अनजान लिंक पर क्लिक करना है। लेकिन हम इन गलतियों को भी जाने अनजाने में ही सही पर कर बैठते हैं। एक ऐसा ही मैसेज सोशल मीडिया पर भी इन दिनों वायरल हो रहा है, जहां यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा मोबाइल यूजर्स को फ्री रिचार्ज दिए जा रहे हैं। आइए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस खबर में क्या है और यह सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। दरअसल यह मैसेज व्हाट्सएप पर अधिक वायरल हो रहा है। बता दें कि इस मैसेज में यह लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्री रिचार्ज योजना के तहत सभी भारतीय यूजर को 239 रुपये का 28 दिन वाला रिचार्ज फ्री में देने का वादा किया है। तो अभी नीचे नीले रंग की लिंक पर क्लिक करके अपने नंबर पर रिचार्ज करें। मैंने भी इसे अपने 28 दिन का फ्री रिचार्ज किया है। आप भी अभी नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें और 28 दिन का फ्री रिचार्ज प्राप्त करें। इस मैसेज में यह साफ बताया गया है कि भारत सरकार आपको 239 रुपये का रिचार्ज मुफ्त में दे रही है। मुफ्त रिचार्ज पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। लेकिन जब हमने इस वायरल मैसेज की पड़ताल की, तो PIB फैक्ट चेक पर हमें पता चला कि वायरल हो रहा यह मैसेज पूरी तरह से भ्रामक और फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसे किसी भी मैसेज की घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि कभी भी ऐसे फॉरवर्ड हो रहे मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक करें और ना ही किसी से अपनी निजी जानकारी या फिर OTP को साझा करें। साथ ही ऐसे भ्रामक मैसेज को फॉरवर्ड करने से भी बचे और जिस तरह से मैसेज को फॉरवर्ड कर रहा है उसे भी ऐसा करने से मना करें। कई बार यदि आप इस तरह के भ्रामक मैसेज की भाषा पर भी जब आप ध्यान देंगे, तो आपको कई गलतियां भी नजर आएंगी। ऐसे में मैसेज जल्दबाजी में पढ़ कर लिंक पर क्लिक करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। यदि इस तरह की कोई भी खबर आती भी है, तो पहले आप इस खबर के बारे में सरकार के किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें या किसी अच्छे सोर्स से इसकी जानकारी लें। बता दें कि इस तरह की खबर आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद यही होता है कि आप किसी भी भ्रामक खबर के शिकार ना हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।